गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक आज की क्लास में, और टॉपिक का नाम है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT बोला जाता है इसे। अभी हम पिछली क्लास में ही टॉपिक खत्म करके आए हैं एग्रीकल्चरल इनकम अपना, और उसमें भी देखा आपने कि सरकार ने किस तरीके से बैकडोर एंट्री कर रखी है कि एक तरफ ये कहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट की जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है, एग्रीकल्चर की इनकम जो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उतना बेनिफिट जितना देखने सुनने में आता है तो वास्तव में अगर देखा जाए तो उतना बेनिफिट मिलता नहीं है, क्योंकि उनकी बाकी इनकम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स रिकवर कर लिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे है एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करने का। कुछ कुछ ऐसा ही अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में भी है, एक छोटा सा अलग तरह का टॉपिक है ये। आपने पूरी इनकम टैक्स में देखा अलग अलग जगह एग्जम्पशन डिडक्शन मिलती हैं, और उसकी वजह से जो SSC की टोटल इनकम है काफ़ी कम हो जाती है। मतलब वैसे तो इनकम बहुत कमाई जाती है SSC के द्वारा, लेकिन अलग अलग सेक्शन में जो एग्जम्पशन डिडक्शन रियायतें दी जाती हैं उसकी वजह से जो टैक्सेबल टोटल इनकम है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो एक तरह से AMT भी एक बैकडोर एंट्री है कि दिखलाने के, जैसे कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखलाने के कोई और हैं और खाने के कुछ और हैं, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी अलग अलग जगह आपको डिडक्शन दिखलाने की कुछ और दी हुई हैं, और वास्तव में जो इम्पैक्ट है उनका कुछ और है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एक अलग तरह का एक टैक्स स्ट्रक्चर है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा टैक्स स्ट्रक्चर है ये, कि जो भी आप नॉर्मल स्कीम में अपना टैक्स निकालते हैं, एक बार आप अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में, हम बता रहे हैं कि एडजस्टेड टोटल इनकम निकालिए, यानी कि कुछ डिडक्शन जो आपको अलग अलग जगह दी गई हैं वो आपको फिर अलाउड नहीं होंगी। कुछ लिस्ट है इनकी, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो लिस्ट आपको दी है जो CA इंटरमीडिएट में काम की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे के सारे सेक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंस्टीट्यूट की अगर आप स्टडी मटेरियल देखेंगे तो वहाँ पर भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है कि जो जो डिडक्शन एग्जेम्पशन यहाँ पर मना है, ठीक है ना, तो हम केवल उतना ही यहाँ पर देंगे जो कि एग्जेम्पशन डिडक्शन आपको पढ़ाई जाती हैं CA इंटरमीडिएट लेवल पर। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम होगी, ठीक है ना, उसमें से या टोटल इनकम होगी उसमें से हमें एडजस्टेड दोबारे से करनी पड़ेगी। एडजस्टेड का मतलब है कि जो आप डिडक्शन लेके आते हैं जो नॉर्मल प्रोविजन में आपने सीखा है उनमें से कुछ डिडक्शन को हम ऐड बैक करेंगे, उनमें से कुछ डिडक्शन को हम ऐड बैक करेंगे। हम ये मानेंगे कि ये डिडक्शन आपको मिलनी नहीं थी, इडियट के लिए, और उन डिडक्शन को ऐड बैक करने के बाद अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ऊपर आती है तभी ये MAT के प्रोविजन लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे, और उसके ऊपर 18.5% से हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना, एक फ्लैट टैक्स लगाएंगे 18.5% से, इडियट के लिए। अगर वो नॉर्मल टैक्स से ज्यादा आता है, नॉर्मल टैक्स में तो क्या होता है आपका 250,000 एग्जेम्प्टेड होते हैं, अगले 250,000 पर जो टैक्स रेट लगता है आपका वो लगता है 5%, अगले 5 लाख पर जो टैक्स लगता है वो 20% लगता है, और 10 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है। तो हम जो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी उसके ऊपर 18.5% टैक्स लगाएंगे, और फिर ये देखेंगे कि कौन सा टैक्स आपका ज़्यादा बैठता है, और अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम पर टैक्स ज़्यादा बैठा तो फिर आपको वही टैक्स देना पड़ेगा जो एडजस्टेड टोटल इनकम पर टैक्स बैठेगा। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल प्रोविजन में आप टैक्स निकालते हैं वो भी आपको करना है, और ये वाला प्रोविजन भी आपको लगा के देखना है। जितने भी आप डिडक्शन एग्जेम्पशन पढ़ के आए थे वो सब कुछ मिलेंगे, पहले आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने से पहले जो नॉर्मल प्रोविजन में टोटल इनकम वो निकालनी ही पड़ेंगी आपको, बस उसमें 3-4 जो एग्जेम्पशन डिडक्शन है वो आपको ऐड बैक करनी पड़ेंगी, और ऐड बैक करने के बाद आप देखेंगे कि अगर वो टोटल 20 लाख से ज़्यादा आ रहा है तो आप इस चैप्टर के अंदर फॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं फॉल करेंगे। तो मोटा मोटी ये था, बहुत सिंपल सा
टॉपिक है। इसके अलावा जैसे इस बार 115B एपीआई है, नया टैक्स रिजीम आई है, ठीक है ना। मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि 115B जरूर पेपर में आपसे पूछी जाएगी, किसी भी तरीके से वो पूछी जा सकती है, तो उसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आप 115B में टैक्स देना चाह रहे हैं, जिसमें 250,000 एग्जम्प्टेड है, अगले 250,000 पर 5% है, अगले 250,000 पर 10% है, 2.5 लाख का स्लैब है, वो 5% आपका जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। और उसमें से फिर आपको कुछ चैप्टरों के अंदर जो कंसेशंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसके अलावा कुछ डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर आप उस तरीके से टैक्स देना चाह रहे हैं तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि आपको दो दो तरीके से टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप उसमें देना चाहें तो उसमें दे सकते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी ही बहुत सारी एग्जेम्प्शन डिडक्शन आपसे छीन चुके हैं वो लोग, ठीक है ना। तो अब दोबारा से बैकडोर एंट्री का रास्ता उसके लिए खुला नहीं रखना चाहते हैं वो। तो इस बात को क्लियर रखिएगा कि अगर आप 115BAC में टैक्स देना चाह रहे हैं तो उस केस में आपके ऊपर ये चैप्टर जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। देखिएगा क्या है इसमें, कि थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, कई बार अपने आप ही वर्ड गायब हो जाते हैं। तो जैसा कि अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वेदर रेगुलर इनकम टैक्स पेबल फॉर ए प्रीवियस ईयर बाय ए पर्सन अदर देन ए कंपनी, वेदर रेगुलर इनकम टैक्स पेबल फॉर ए प्रीवियस ईयर बाई ए पर्सन अदर देन कंपनी, यानी कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगते हैं, कंपनी के ऊपर पहले से ही मैट के प्रोविजन लगते हैं। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, अरे है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, बस वर्ड को इधर उधर किया गया है, तो वो आपको फाइनल में देखने को मिलेंगे। मैट के प्रोविजन इज लेस देन अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल फॉर सच प्रीवियस ईयर, यानी कि जो रेगुलर इनकम टैक्स पेबल है अगर वो किसी प्रीवियस ईयर में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम है, गवर्नमेंट कहती है कम से कम इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। द एडजस्टेड टोटल इनकम, और ये एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, एडजस्टेड टोटल इनकम सेल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन एंड ही सेल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन सच टोटल इनकम एट द रेट ऑफ 18.5%। क्लियर हो गया कि अगर आपका रेगुलर इनकम टैक्स पेबल जो है वो कम है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से, और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या आता है, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% टैक्स जो आता है वो होता है आपका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर उससे कम है आपका रेगुलर इनकम टैक्स तो आपको एडजस्टेड टोटल इनकम को ही टोटल इनकम मानना है और उसके ऊपर 18.5% से टैक्स देना है। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स तो वो अलग लगेगा ही लगेगा। अब सारा का सारा सारी बात यहां टिक जाती है कि सर एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है। कुछ नहीं है, जैसे आप नॉर्मल रेगुलर इनकम टैक्स में टोटल इनकम निकालते हैं उसे निकालिए आप, उसमें से क्या कीजिएगा, एडजस्टेड टोटल इनकम सेल बी द टोटल इनकम बिफोर गेटिंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115JC to 115W। ये तो इस चैप्टर की बात कह रहे हैं, तो इस सेक्शन की कोई में एड इंक्रीज बाई डिडक्शन क्लेम, एड इंक्रीज बाय द डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 10AA, ये हमने पढ़ी नहीं है, इसी चैप्टर के साथ पढ़ लेंगे। 35AD यानी कि स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शन, अगर आपके क्वेश्चन में है तो उसे आप मत दीजिए, जो डिडक्शन आपने 35AD दिए तो उससे अपनी टोटल इनकम को बढ़ाइए। 80AA न्यू एम्प्लॉयमेंट की डिडक्शन थी आपको अगर ध्यान है, अगर वो दी है तो उससे अपनी टोटल इनकम को इंक्रीज कीजिए। 80QQB जो रॉयल्टी ऑन बुक्स है अगर वो डिडक्शन दी है तो उससे अपनी इनकम को इंक्रीज कीजिए। और 80RRB अगर आपने दी है, पेटेंट न्यू इन्वेंशन की जो डिडक्शन मिलती है तो अगर वो क्वेश्चन में दी है तो उससे भी आप अपनी इनकम को इंक्रीज कीजिए। इसके अलावा भी है लेकिन वो डिडक्शन एग्जम्पशन अदरवाइज भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए वो मैंने सेक्शन नहीं दिए, अननेसेसरली कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो अब बड़ा सिंपल सा हो गया, अगर आपके क्वेश्चन में रेगुलर इनकम टैक्स में ये 5 सेक्शन आ रहे हैं जिनकी वजह से आपकी टोटल इनकम कम हो रही है तो आप अपनी टोटल इनकम को इन 5 सेक्शन की डिडक्शन एग्जम्पशन से
बढ़ा लीजिए तो वो आपकी आ जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम, और उस एडजस्टेड टोटल इनकम पर 18.5% से टैक्स लगाइएगा तो वो आ जाएगा आपका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर वो ज्यादा है रेगुलर टैक्स से तो आपको इस साल वो ही देना पड़ेगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स शैल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स कंप्यूटेड ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम एट द रेट 18.5%। इस बार इसमें एक चेंज हुआ है, रिपोर्ट फ्रॉम ए अकाउंटेंट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट पहले जो जाती थी ऑन ऑफ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ आरओआई जाती थी, यानी कि जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग आरओआई है उससे पहले पहले आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक रिपोर्ट लगानी पड़ती थी। यहां पर इस पीरियड में कुछ चेंज हुआ है वो देखिएगा। एवरी पर्सन टू होम दिस सेक्शन अप्लाई शैल ऑब्टेन ए रिपोर्ट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम एन अकाउंटेंट सर्टिफाइंग दैट एडजस्टेड टोटल इनकम एंड द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हैव बीन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड फर्निश सच रिपोर्ट 1 month प्रायर टू। पहले 1 month प्रायर टू नहीं था, ओन ऑफ बिफोर द ड्यू डेट था, अब है 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), यानी कि रिटर्न की डेट से 1 महीने पहले तक आपको जमा करनी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट। टू होम सेक्शन टू होम एमेट सेल बी एप्लीकेबल, किसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है, ये चैप्टर एप्लीकेबल है। चैप्टर तभी एप्लीकेबल है अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम पहली बात तो 20 लाख से ज्यादा आती हो और आपके क्वेश्चन में इन 5 सेक्शनों का यूज हो रहा हो। टोटल 6 है ये तो 5 ही है, तो बल्कि ये आरआरबी 2 बार लिखा गया है, तो इन 5 सेक्शनों का यूज हो रहा हो, यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम निकालते वक्त ये डिडक्शन ही नहीं है, जरूरी थोड़ी होता आपने इतने सारे क्वेश्चन करे हैं असेसमेंट के, जरूरी थोड़ी है ये 5 सेक्शन आए, तो अगर नहीं है तो भी आपके ऊपर एमएट के प्रोविजन नहीं लगेंगे, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे। और जैसा कि इस बार 115(b)(c) की वजह से काफी कुछ चेंजेस आए हैं, तो इफ द इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115(b)(c) देन प्रोविजन ऑफ एमएट नॉट एप्लीकेबल। क्लियर हो गया। एक चीज है टैक्स क्रेडिट की, टैक्स क्रेडिट की, यह टैक्स क्रेडिट क्या है, सपोज कीजिए इस साल 2021 प्रीवियस ईयर में आपको एमेट में तो जो टैक्स देना है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में जो टैक्स आ रहा है वो आपका आ रहा है 1,35,000, मैं ऐसी एज्यूम कर रहा हूं 1,35,000 आ रहा है, और रेगुलर टैक्स जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 1,20,000। जैसे आप निकालते हैं अभी तक रेगुलर टैक्स जो आ रहा है 1,20,000 है और एमएट के प्रोविजन लगा के टैक्स आ रहा है आपका 1,35,000, तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 1,35,000 ही देना, हमें कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन देखा जाए ये एक नाइंसाफी है। फिर रेगुलर इनकम टैक्स का मतलब ही क्या रह गया जब आप कह रहे हैं कि 80QQB की भी डिडक्शन मिलेगी आपको, 10AA की भी मिलेगी, तो फिर मतलब ही क्या रह गया। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है नहीं ये तो देना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स दिया है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा टैक्स दिया है आपने इस साल 15,000, इसे हम क्रेडिट के रूप में अलाउड कर देंगे और अगले सालों में सेट ऑफ करेंगे। 15 सालों तक ये सेट ऑफ हो सकता है, 15 असेसमेंट ईयर तक ये सेट ऑफ हो सकता है। सर सेट ऑफ कब होगा, सपोज कीजिए आपका कभी 23-24 में आपका जो रेगुलर टैक्स है, जो रेगुलर टैक्स है, पहले एमएट भी लिख लेते हैं, चलिए जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो आपका आ रहा है 2,30,000, वो जो रेगुलर टैक्स है वो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 2,70,000। तो एमएट तो तभी लगेगा ना अगर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेगुलर टैक्स से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का टैक्स नहीं देना, तब आपको क्या देना है 2,70,000 रेगुलर टैक्स देना है आपको। लेकिन क्योंकि 2020-21 में आपने अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से एक्स्ट्रा टैक्स दिया था 15,000 रुपये, तो आप जब 23-24 में रेगुलर टैक्स ज्यादा आएगा किसी भी साल,
तो उस केस में ये जो टैक्स क्रेडिट है ये माइनस कर सकते हैं, यानी कि आपको 23-24 में जो टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2,55,000 देना पड़ेगा, लेकिन ये जो टैक्स क्रेडिट है ये 15 सालों तक आपको अलाउड हो जाएगा, मतलब जिस साल का भी है उससे 15 साल तक आपको ये टैक्स क्रेडिट अलाउड हो जाएगा, तो भी सेट हो। लेकिन ये टैक्स क्रेडिट अगर आप इस बार 115 BAC ऑफ करते हैं तो अलाउड नहीं है, क्योंकि होने के लिए तो 115 BAC भी आपका रेगुलर इनकम टैक्स के अंदर ही आएगा। तो क्योंकि अमेट के प्रोविजन तो पहले से लग रहे हैं, सपोज कीजिए किसी का टैक्स क्रेडिट आपका 15,000 रुपये 18-19 का बचा हुआ है, तो इस साल अलाउड होना था वो अगर आपका रेगुलर टैक्स ज्यादा आता, लेकिन इस साल आपने 115 BAC ऑफ कर ली, तो आप चाहें कि 115 BAC में टैक्स दूं और जो पुराना अमेट क्रेडिट है वो अलाउड कर दूं, तो वो मना है। इट के लिए देखिएगा, देखिएगा टैक्स क्रेडिट ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, टैक्स क्रेडिट ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स सेक्शन 115 JD प्रोवाइड द क्रेडिट फॉर टैक्स दैट इज टैक्स क्रेडिट पेड बाय पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अमेट शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेड ओवर द रेगुलर इनकम टैक्स। दिस टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू द 15th असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच सच क्रेडिट बिकम्स अलाउएबल। इट शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ फॉर एन असेसमेंट ईयर इन विच द रेगुलर इनकम टैक्स एक्सीड द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस ऑफ रेगुलर इनकम टैक्स ओवर द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर एक्शन 115 JD। ये भी क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने कि कल को हमसे आप इंटरेस्ट मांगने लगे कि आपके पास हमारा टैक्स ज्यादा जमा है तो उस पर इंटरेस्ट दीजिए, तो इस क्रेडिट पर कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। हम आपको सेट ऑफ ही करा रहे हैं, यही शुक्र मनाइए, इंटरेस्ट मांगने की जरूरत आपको नहीं है। 115 JC 7 क्या कह रहा है? इफ एन इंडिविजुअल HUF ओप्ट टू पे टैक्स अंडर एक्शन 115 BAC देन टैक्स क्रेडिट विल बी रिड्यूस टू जीरो। अगर पुराना टैक्स क्रेडिट आपके पास बचा हुआ है जो आप इस साल सेटअप करना चाह रहे थे, जिसके 15 साल अभी बकाया है, वो बिल्कुल आपका जीरो हो जाएगा अगर आप 115 BAC ओप्ट कर रहे हैं। हर जगह डराने के संसाधन मौजूद हैं कि 115 BAC आप चाह तो रहे हैं ऑफ करना, तो आप सोच लीजिए कि पुराना जितना भी टैक्स क्रेडिट है वो जीरो हो जाएगा, तो ये भी एक डर है। SSC चाह के भी 115 BAC ऑफ करने से बचना चाहेगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है उनके लिए, बड़ा सिंपल है जिन्होंने पुरानी प्रैक्टिस आराम से कर रखी है, और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है फ्री के नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट वगैरह नहीं पूछी जाती। द ग्रोथ टोटल इनकम ऑफ आर फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 24,50,000 विच इंक्लूड 1,20,000 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 24,50,000 में 1,20,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, और 3,50,000 है रॉयल्टी फ्रॉम बुक ऑफ साइंटिफिक नेचर विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80QQB। साफ कुछ दे दिया कि 3,50,000 रॉयल्टी के शामिल है, 24,50 में रही है, और जिसकी जो कि डिडक्शन के लिए अलाउड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 80QQB में मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है वो 3 लाख मिलती है, और भी लिमिट है, लेकिन मैंने आपको वहां पे भी क्लियर किया था कि जनरली वो पूछी जाती तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी या 3 लाख बीच में लेफ्ट की आपको डिडक्शन देनी है। इसके अलावा अगर रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया से आ रही है तो विद इन 6 मंथ जितना आपका पैसा इंडिया में आ जाता है तो एक लिमिट वो बनती है, और इसके अलावा अगर रॉयल्टी परसेंटेज वाइज है तो मैक्सिमम 15% की ही रॉयल्टी अलाउड होती है एज ए डिडक्शन। ही हैड डिपोजिटेड 90,000 इन PPF तो ये 80C की डिडक्शन मिल जाएगी, एंड 28,000 बाई चेक इन जनरल इंश्योरेंस तो बेसिकली ये मेडिकल इंश्योरेंस कराया होगा, 80D मिल जाएगी ये मैक्सिमम 25,000 रुपये की। तो पहले तो आप नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम रेगुलर इनकम टैक्स 24,50,000 है, ये इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी शामिल है, इसमें आपका रॉयल्टी भी शामिल है, तो आप डिडक्शन देंगे 80C की 90,000 रुपये की, 80D की 25,000 रुपये की, और 80QQB 3 लाख रुपये की, तो ये आपकी जो टोटल इनकम आ गई ये आ गई 20,35,000 रुपये। इस 20,35,000 रुपये के ऊपर टैक्स निकालेंगे, 1,20,000 रुपये तो लॉन्ग टर्म ही था तो 1,20,000 पर डायरेक्ट 20% निकालेंगे, और 19,15,000 पर स्लैब रेट से आप टैक्स निकालेंगे,
तो ये आ जाएगा 387,000। तो टोटल रेगुलर इनकम टैक्स आ गया 4,11,000। अभी हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, कंपेरिजन अगर हमें करना है तो वो बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से हम कंपेयर करेंगे। अब क्योंकि इसमें 80QQB है, तो जिन क्वेश्चनों में भी 80QQB होगी या 10AA होगी, 80RRB होगी या 10 80AA होगी या 35AD होगी, तो ऑटोमेटिकली उसमें 35A सॉरी जो ये चैप्टर है एमएट का वो एप्लीकेबल हो जाएगा। जिनमें भी है ये पांच डिडक्शन जिसमें भी है तो उसमें ऑटोमेटिकली टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने से पहले टोटल इनकम निकालेंगे, उस टोटल इनकम में 80QQB आप जोड़ेंगे, तो ये आ गई आपकी 23,35,000। अब क्योंकि 20 लाख से ज्यादा है तो इसका मतलब है 20 लाख से ज्यादा है तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकाल के देखो, तो 23,35,000 पर डायरेक्ट 18.5%। यहां पर स्लैब नहीं होता, यहां पर लॉटरी पर 30 निकालना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20%, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप 18.5% निकाल दीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा 4,31,975। अब पहले क्या निकल के आ रहा था आपका 4,11,000, तो इसका मतलब है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो टैक्स है वो ज्यादा है तो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। रीजन 4,31,975 एक्सीड द टैक्स एक्सक्लूजन ऑफ सेस ऑन टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, दियरफोर टोटल इनकम विल बी डीम्ड टू 23,35,000, यानी कि जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वही आपकी टोटल इनकम मान ली जाएगी, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा 18.5% से, और इसमें 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए टैक्स क्रेडिट कितना होगा, तो टैक्स क्रेडिट दोनों जो टैक्स हैं उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका टैक्स क्रेडिट के रूप में अलाउड हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइएगा क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को या नहीं हुआ। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज टेल मी। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 10AA का भी यूज है। 10AA अपने आप में अलग से भी डिडक्शन पूछ ली जाती है, पहले खत्म हो रही है धीरे धीरे करके, इसका समाप्त सनसेट क्लोज बोलते हैं, सनसेट क्लोज बोलते हैं टेक्निकल नाम में, कि जिनका पीरियड खत्म होने वाला है। बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो पहले रियायतें मिलती थी, धीरे धीरे करके वो खत्म हो रही हैं, तो 10AA भी धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। तो अलग से तो मैंने नहीं दिया इसको, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता दूंगा। देखिए जब कोई यूनिट आपकी एसी जेड वगैरह में लगी हुई होती है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 100% ईओयू भी एक जोन होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, तो इन्हें डिफाइन किया जाता है बेसिकली कि कुछ एरिया जो गवर्नमेंट के बहुत पिछड़े हुए एरिया होते हैं, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उद्योगपति हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर आएं अपनी फैक्ट्री लगाएं जिससे जो एरिया है डेवलप हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है कुछ इंसेंटिव स्कीम निकाल देती है, ठीक है ना, कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत सस्ती दरों पर मिल जाएगी, इसके अलावा आपका 10 साल का इनकम टैक्स माफ हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इससे क्या होता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो आकर्षित होते हैं इन स्कीम से, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है, गवर्नमेंट की जो जमीन बिल्कुल कोड़ियों के भाव थी वो एक तरह से सोने के भाव की हो जाती है, तो गवर्नमेंट को ही फायदा होता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं सी रेट वगैरह की बात यहां नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि उसके लिए वो बिल्कुल अलग दिशा में चला जाएगा डिस्कशन। तो मेन क्या है, 10AA अगर आपकी एसी जेड वगैरह में या 100% ईओयू अंडरटेकिंग है आपकी, तो जो भी बिजनेस इनकम का प्रॉफिट है जितना भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपकी ऐसी जैसे नोएडा का भी कुछ एरिया जो एसी जेड में आता है, इसी वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा इतने डेवलप हुए हैं, ठीक है, नहीं तो पहले तो वो गांव थे, तो जो आप उस अंडरटेकिंग का एक्सपोर्ट करेंगे तो प्रपोर्शनेट प्रॉफिट की आपको डिडक्शन मिल जाती है 10AA। माना आपका प्रॉफिट 5 लाख है एग्जाम्पल के तौर पर, और आपने 60% जो टर्नओवर है वो डोमेस्टिक यूज किया यानी कि इंडिया में ही बेचा, और 40% आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक
ठीक है ना, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना चाहती है, इससे फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो जो 5 लाख का 40% प्रॉफिट है उसकी 10AA की डिडक्शन मिल जाएगी। मोटा मोटी ये है, अगर हम डेप्थ में घुसेंगे, गहराइयों में झांकेंगे तो बहुत कुछ और भी मिलेगा टेक्निकली, लेकिन वहां से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, वो यही देखना चाहते हैं इंस्टीट्यूट कि आपको मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट 10AA का क्लियर है कि नहीं है। तो वो इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ऊपर 80QQB आई तो वहां तो क्लियर था 3.5 लाख है, तो 3 लाख की डिडक्शन है। तो यहां पर तो आपको एमएट के प्रोविजन भी मैं क्लियर करूंगा और साथ के साथ 10AA कैसे दी जाती है वो भी आपको क्लियर करूंगा। तो अलग से 10AA का भी क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिएगा, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग ए यूनिट लोकेटेड इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस 2021 प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट लोकेटेड इन SEZ। अगर मुझे 10AA की डिडक्शन निकालनी है तो जो 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है ना, ये PGBP में शामिल हो जाता है। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द यूनिट लोकेटेड इन SEZ, एक्सपोर्ट करा आपने 72 लाख, टोटल टर्नओवर है SEZ का 1 करोड़, ठीक है ना। तो 30 लाख का जो प्रॉफिट है इंटू 72 लाख डिवाइड बाई 100 लाख, इस रेशियो में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो जितना भी आपका 72 लाख रुपए के टर्नओवर पर प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट आता है उतने की आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर द PGBP, ठीक है ना। ऑल्दो PGBP का सेक्शन नहीं है, लेकिन 10AA में बता रखा है कि बेसिकली ये डिडक्शन है, ठीक है ना। तो डिडक्शन क्या होती है, अंडर द हेडी मिलती है। तो आप वहां पे 30 लाख का प्रॉफिट नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उस प्रॉफिट में से ये वाला जो प्रॉफिट है जो 72 लाख रुपए के ऊपर आया है उसे लेस करने के बाद जोड़ेंगे। तो बताइए आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। आपसे केवल ये 3 इंफॉर्मेशन देके, ठीक है ना, आपसे पूछ सकते हैं कि कैलकुलेट डिडक्शन एंड डिडक्शन 10AA, तो वो इस तरीके से आपको डिडक्शन निकालनी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 6,50,000, इन्वेस्टमेंट इन PPF है आपका 1 लाख, तो ये TC मिल जाएगी। डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट अल्टरनेट मिनिमम टैक्स प्रोविजन। वाट वुड बी योर आंसर इफ द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द यूनिट लोकेटेड इन SEZ 3 लाख इन स्टेट 30 लाख। अगर 3 लाख का प्रॉफिट होता 30 लाख की जगह, तो क्या आपका आंसर होता। तो सबसे पहले तो हमें PGBP का प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट लोकेटेड इन SEZ 30 लाख, लेस डिडक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया 30 लाख इंटू 72 लाख डिवाइड बाई 1 करोड़, तो 21,60,000 का आपकी डिडक्शन आ गई। तो प्रॉफिट जितना बचा वो बचा 8,40,000, PGBP का इनकम आई 8,40,000। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो क्वेश्चन में दे ही रखी है आपको, वो दे रखी है 6,50,000, और दोनों को जोड़ोगे तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। उसमें से 1,80,000 जो है उसकी डिडक्शन भी आपको अलाउड है, जैसा कि आपको दिख रही है कि 80,000 की भी आपको डिडक्शन अलाउड है। तो टोटल आ गया था इनका 14,90,000, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 1,00,000 की 80,000 की डिडक्शन है PPF की। तो टोटल इनकम आ गई आपकी 13,90,000 रुपए। 13,90,000 रुपए पर नॉर्मल प्रोविजन से आप टैक्स लगाओगे तो वो आएगा 2,29,500, और अगर आप अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से लगाओगे तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, जो आपकी टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 13,90,000, इसमें से आप क्या करोगे, जो आपने 10AA की डिडक्शन दी है, 10AA की डिडक्शन है 21,60,000, 21,60,000 की डिडक्शन दी है वो जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। तो 13,90,000 21,60,000 ये आता है 35,50,000, क्योंकि ये 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो इसलिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। तो 35,50,000 पर 18.5% निकालोगे, वो बैठ रहा है 6,56,750, काफी ज्यादा है इसके मुकाबले। तो इसका मतलब है आपको यही टैक्स देना पड़ेगा 6,56,750, और इसमें 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6,83,020 रुपये। और अगर आपसे कोई पूछे कि टैक्स क्रेडिट कितना होगा, तो टैक्स क्रेडिट पहले इसके ऊपर आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाई लिया 6,83,020,
और इसके ऊपर भी आप हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लगाइएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको टैक्स क्रेडिट के रूप में अलाउ कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइएगा ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एडजस्टेड टोटल इनकम यहां निकाली रखी है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि अगर आपका प्रॉफिट 30 लाख की जगह 3 लाख होता तो क्या होता, तो ठीक है हम डिडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंगली लगा लेते हैं। 3 लाख पे जो डिडक्शन मिलेगी आपको 3 लाख इंटू 72 लाख डिवाइड बाई 1 करोड़, तो 216,000 मिल जाएगी। पीजीबीपी आपका आ जाएगा 84,000, जीटीआई आ जाएगी 7,34,000 और टोटल इनकम आ जाएगी 6,34,000। और जब आप एमएट देखोगे तो एमएट में एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए 6,34,000 में आप जोड़ेंगे 10AA की डिडक्शन यानी कि 216,000 जोड़ेंगे। अब क्योंकि इसका टोटल लेस देन 20 लाख रुपए आ रहा है तो इसका मतलब एमएट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो टोटल है वो लेस देन 20 लाख आ रहा है। इसका मतलब आपको रेगुलर इनकम टैक्स ही इसके ऊपर देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइएगा कॉन्सेप्ट प्रोविजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत छांट के लाया हूं मैं, ऑल्दो उस टेक्निकल पॉइंट पर अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है। पहले मुझे यहां तक आप ग्रीन सिग्नल दे दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। बहुत इजी है लेकिन इजी उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिनको पुराने प्रोविजन सारे कंठस्थ हैं, यानी कि एक एक प्रोविजन उन्हें याद है और उसकी उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है। एक लास्ट क्वेश्चन और, अभी तक नहीं आया है इतना टेक्निकल क्वेश्चन लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड टैक्स पेबल बाय LLP। टोटल इनकम ऑफ LLP एट पर बुक्स ऑफ अकाउंट 40 लाख है, टोटल इनकम ऑफ LLP एट पर द रिटर्न इनकम 30 लाख है और टोटल इनकम ऑफ LLP एज एसेस्ड बाय AO 34 लाख है। सबसे पहले तो इसका अंतर समझना है। एट पर बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। आपने रिटर्न भरी थी 30 लाख रुपए की लेकिन एसेसिंग ऑफिसर ने कुछ उसमें फेरबदल करे तो जो आपका असेसमेंट हुआ वो हुआ 34 लाख रुपए के ऊपर। इज इट क्लियर? अब डिडक्शन अंडर डिडक्शन 80IB है आपकी 18 लाख। ये इसमें एक चीज गायब है थोड़ा सा, हाँ जी, डिडक्शन अंडर डिडक्शन 80IB 18 लाख है, क्लेम बाय द एसेसी एज अलाउड बाय द AO 16 लाख है। देखिए 80IA IB IC ये एक सीरीज है पूरी की पूरी, ये आपके इंटर लेवल पर काम की नहीं है, ठीक है ना, इसी वजह से मैंने कहीं दी नहीं है इस चीज को, तो ये काम की नहीं है, तो ये चीज जो है पेपर में आपसे आएगी भी नहीं। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो यहां से भी क्लियर हो जाएगा। डिडक्शन अंडर डिडक्शन 10AA 15 लाख है और अलाउड बाय द AO है आपका 13 लाख, ठीक है ना। जब भी आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे तो असेसमेंट तो आपका 34 लाख रुपए पर ही हुआ है, आपने कितनी रिटर्न भरी तो उससे मतलब नहीं है, आपका असेसमेंट 34 लाख रुपए पर हुआ है, 34 लाख रुपए पर ही नॉर्मल टैक्स निकाला जाएगा, रेगुलर इनकम टैक्स 34 लाख पर निकाला जाएगा। लेकिन जब आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं तो उसमें जो वर्डिंग आ रहे हैं कि आपको अपनी एडजस्टेड टोटल इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी डिडक्शन क्लेम बाय द एसेसी से, ना कि अलाउड बाय द AO, यानी कि आपको 34 लाख में 15 लाख जोड़ने पड़ेंगे ना कि आपको 13 लाख जोड़ने पड़ेंगे। ये चीज जो लिखी हुई है आप देखिएगा कहां लिखी हुई है, मैं आपको दिखला देता हूं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को आपको अंडरस्टैंड करना है जो बॉक्स बना रखा है कि एड इंक्रीज बाय द डिडक्शन क्लेम्ड ना कि अलाउड, यानी कि जितनी एसएससी ने डिडक्शन क्लेम करी है उससे आपको अपनी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर टिका हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चन में और कुछ नया नहीं है। जो आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी वो 34 लाख से बढ़ानी पड़ेगी, ना कि एसएससी ने जो रिटर्न भरी थी,
क्योंकि टैक्स जो लगा होगा रेगुलर इनकम टैक्स वो 34 लाख पर लगेगा। तो देख लीजिएगा एक बार, एलएलपी का केस है तो इसके ऊपर 30% नॉर्मल टैक्स होता है, फ्लैट रेट टैक्स होता है आपका, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। तो 30% का आप 4% देंगे तो 31.2% कंबाइंड रेट आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रोविजन से तो 34 लाख रुपए पर 31.2% तो ये आ जाएगा 10,60,800 रुपए टैक्स, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा, जो भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की इनकम है हमारे, जैसे लॉन्ग टर्म है, अगर इसमें शामिल होता वो, तो उस लॉन्ग टर्म में 20% ही टैक्स लगाते हैं, क्लियर है। या 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 15% ही टैक्स लगाते हैं आप। जो बाकी इनकम इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है, तो वो इन लोगों के केस में फ्लैट रेट से टैक्सेबल होती है, जो नॉर्मल इनकम होती है। अब जो आपका ये चैप्टर है उसके लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे आप, तो टोटल इनकम ऑफ एलएलपी एज एसेट बाय द एओ 34 लाख है, ले एट डिडक्शन इतनी आईबी की भी जुड़ेगी, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि मैंने यहां 5 डिडक्शन का यूज किया है, इसके अलावा और भी होती है तो उसमें इतनी आईबी भी होती है, तो आईबी भी जुड़ेगी और 10AA की भी जुड़ेगी। पेपर में आपके लिए बस इतनी आएगी, यहां फंसाएंगे ही नहीं आपको, ठीक है। लेकिन जो मुद्दा था, जो मैं समझाने का पर्पज था, जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, वो इस वजह से दिया है कि जो डिडक्शन जुड़ती हैं वो क्लेम्ड वाली जुड़ती हैं या अलाउड वाली जुड़ती हैं, तो वो क्लेम्ड वाली जुड़ती हैं। तो इसमें एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा 67 लाख, इसके ऊपर आप 18.5% टैक्स देंगे। अब फिर देखेंगे कि कौन सा आपका टैक्स ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे करेंगे। क्लियर होगी बात, जल्दी से बता दीजिए, इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। अब एक टॉपिक है आपका एग्जेम्प्ट इनकम का, ठीक है। बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम हम लोग चैप्टर के साथ साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ और भी एग्जेम्प्टेड इनकम है जो चैप्टर के साथ पढ़ने को नहीं मिलती है हमें, वो मैंने इस चैप्टर के अंदर कवर कर रखी है, जो पढ़ रखी है वो भी कवर कर रखी है, जो नई है वो भी कवर कर रखी है। तो एक बार जल्दी से क्विक एक बार देख लेते हैं इसे कि कौन कौन सी हैं, अगर पेपर में आ जाती हैं, किसी क्वेश्चन के साथ आ जाती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो पढ़ा रखी है मैंने उन्हें तो बस नाम से ही हम देख लेंगे। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जो HUF से मेंबर को शेयर मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि इनकम टैक्स में HUF एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है ना। HUF में सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकम टैक्स में HUF एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो पहले HUF टैक्स देगा है, जो HUF की इनकम है वो मेंबर में बटेगी, फिर मेंबर भी उस इनकम पे टैक्स दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मेंबर में जो पैसा बटता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। यही रूल फर्म का भी है, फर्म भी इनकम टैक्स में सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो पहले फर्म टैक्स देगा है, उसके जो प्रॉफिट पार्टनर बढ़ते हैं वो पार्टनर्स की भी टोटल इनकम में जोड़े जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर जो फर्म से मिलेगा वो भी पार्टनर के हाथ में क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। एग्जेम्प्शन ऑन इंटरेस्ट ये पढ़ लीजिए, एक आध बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, नाम याद रखने पड़ेंगे। कुछ इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है क्या है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है Who earns income from interest on government securities and bonds, including income by the premium on redemption, shall be exempt from tax. अगर non-resident है वो government securities पर या bonds पर interest प्राप्त करता है तो non-resident के हाथ में exempted है। और any other person अगर है, यानी कि resident अगर है, तो any person who earns any income by way of interest on money standing to his credit in नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडिया। तो यहां आपको बैंक अकाउंट चेक करना पड़ेगा, क्या एनआरई अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में अगर पैसा पड़ा हुआ है तो उस अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट आता है वो किसी भी एसएससी के हाथ में क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ एग्जेम्प्शन सैलरी में हम पढ़ चुके हैं, जैसे एलटीसी की पढ़ चुके हैं, इसके अलावा रेमोनरेशन रिसीव बाय फॉरेन नेशनल एंड डिप्लोमेट्स को पढ़ चुके हैं, फॉरेन अलाउंस जो ओवरसीज अलाउंस ओवरसीज परक्यूरिट थे, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट होगा और सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया कर रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये अलाउड होता है एग्जेम्प्शन में।
ग्रेचुटी सेक्शन 1010 में पढ़ चुके हैं, कंप्यूटेड पेंशन 1010A में पढ़ चुके हैं, लीव एनकैशमेंट पढ़ चुके हैं, रिट्रीटमेंट कंपनसेशन पढ़ चुके हैं, वीआरएफ पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा टैक्स अगर नॉन मॉनेटरी परपज पर दिया जाएगा तो 1010CC में एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्टेड है, और पीजीबीपी में मैंने पढ़ाया था कि एम्प्लॉयर को इस टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती है। लेकिन अगर सिंपल आता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टैक्स जमा किया है, अगर ये नहीं आता है नॉन मॉनेटरी परपज, तो तब वो टैक्स जुड़ेगा एम्प्लॉय की सैलरी में, क्योंकि एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल जब तक कि एग्जेम्प्शन ना पढ़ाई जाए। लेकिन अगर ये लिखा हुआ जाता है कि केवल नॉन मॉनेटरी परक्यूरिट पर ही टैक्स जमा किया है तो वो एग्जेम्प्ट है इन द एंड ऑफ द एम्प्लॉय। प्रोविडेंट फंड से रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिलता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, वो एग्जेम्प्टेड है। जो आपका अनरिकॉग्नाइज्ड से पैसा मिलता है वो टैक्सेबल है। इसी तरह से सुपर एनुएशन फंड से जो पैसा मिलता है वो भी एग्जेम्प्टेड है। HRA हम पढ़ चुके हैं, स्पेशल अलाउंस 1014 वाले पढ़ चुके हैं हम लोग, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, सिटी इसके अलावा आपके यूनिफॉर्म अलाउंस, उसमें दो लिस्ट थी तो हम पढ़ चुके हैं। पेंशन ऑफ विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, अगर इस नाम से आ जाता है पेंशन ऑफ विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी के पुरस्कार जिन्हें मिल चुके हैं तो उनके परिवार को अगर पेंशन मिलती है तो वो एग्जेम्प्टेड है। नॉर्मल पेंशन तो टैक्सेबल होती है, आपको पता है रेगुलर जो पेंशन मिलती है, अगर कम्यूटेड पेंशन है तो उसमें तो कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, लेकिन जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो तो टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ जाए किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिले, परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, इस तरह के जो गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं युद्ध में, बहादुरी के पुरस्कार मिलते हैं, तो उनके उन लोगों को अगर पेंशन मिल रही है तो वो एग्जेम्प्टेड है। पेंशन ऑफ सोल्जर हु डाई ऑन ड्यूटी अंडर सेक्शन 1019, यानी कि अगर कुछ सिपाही हैं और उनकी डेथ हो चुकी है ड्यूटी के दौरान, डेथ एक्सीडेंट से नहीं होनी चाहिए, ड्यूटी के दौरान अगर डेथ हो चुकी है तो उन्हें अगर पेंशन मिलती है तो वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा अगर डिजास्टर कुछ होता है और गवर्नमेंट कुछ कंपनसेशन देती है डिजास्टर पीड़ितों को तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। इन्हीं नाम से आएंगे आपके, तो कंपनसेशन रिसीव और रिसीवेबल बाय द इंडिविजुअल और इज लीगल हेयर ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाउएवर इफ द लोड ड्यू टू डिजास्टर हैज बीन क्लेम्ड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी इनकम देन सच कंपनसेशन शैल नॉट बी एग्जेम्प्ट। अगर आप बिजनेस एसएससी वाले हैं और आपका जो नुकसान है कुछ ऐसा है जो पीजीबीपी में क्लेम कर चुके हैं आप, तो जो कंपनसेशन आपको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया। 10D ये काफी इंपॉर्टेंट है, अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब आप लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम देते हैं 80C की डिडक्शन मिल जाती है, और जिस समय लाइफ इंश्योरेंस का पैसा वापस मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट भी रहेगा। इसी वजह से लोग बाग लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाना ज्यादा अपना सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि फिलहाल डिडक्शन भी मिल रही है और जब आपका पैसा लौटेगा तो एग्जेम्प्ट भी रहेगा। लेकिन कुछ केसेस में LIC का पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होता है, जैसे कि अगर आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है तो आपको मैंने बताया था कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल होता है, लेकिन अलग अलग हाथों में टैक्सेबल होता है। अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो कराता है, शुरुआत जो होती है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लाइफ पे कराता है, तो जब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो एम्प्लॉयर को उसका पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन रिटायरमेंट हो चुका है एम्प्लॉय का और अब की मैन नहीं रहा एम्प्लॉयर के लिए वो, तो मैनी टाइम्स रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो पॉलिसी है एम्प्लॉय क्या कर देता है, एंडोर्स कर देता है एम्प्लॉय को। तो अगर एम्प्लॉय को एंडोर्स हो चुकी है तो जब एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर तो वो टैक्सेबल होगा सैलरी में, और एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर को मिलेगा, वो मिलेगा अदर सोर्सेज के अंदर। इसके अलावा आपने ये देखा कि जब हम LIC जमा कराते हैं तो आज की डेट में सम एस्योर्ड का 10% प्रीमियम ही अलाउड है आपको। अगर आपने किसी भी साल पहले कभी ये 20% भी रहा था, ठीक है, और जो आपके जो आपके ITU वाले लोग हैं उनके लिए 15% हो गया है, ठीक है, तो हमें इतनी सारी पुरानी बात याद नहीं रखनी, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आज की तारीख में लिमिट 10% है या 15% है। तो अगर आपने किसी भी साल प्रीमियम 10% से ज्यादा दिया है
या हैंडीकैप के केस में 15% ज्यादा दिया है, तो जब भी LIC का पैसा मिलेगा तब टैक्सेबल हो जाएगा, अब पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि किसी भी साल आपको गलती नहीं करनी, उस साल तो आपको 10% या 15% तक की डिडक्शन है भी, लेकिन किसी भी साल अगर आपने गलती कर दी कि प्रीमियम आपने टोटल सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा 15% से ज्यादा दिया, तो उस साल तो डिडक्शन मिल जाएगी आपको 10% या 15% तक की, लेकिन जब ये पैसा वापस मिलेगा तो तब ये SAC के हाथ में पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। पढ़ लीजिए एक बार, सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट फॉलोइंग आर नॉट एग्जेम्प्ट। सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी विच हैज बीन असाइंड टू एनी पर्सन ड्यूरिंग इट्स टर्म विद और विदाउट कंसिडरेशन शैल कंटिन्यू बी ट्रीटेड एज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एन मैच्योरिटी अमाउंट शैल नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d). इसके अलावा सम रिसीव फ्रॉम पॉलिसी अंडर सेक्शन 80(d) और 80(d)(b), अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है ना। सी पॉइंट है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी विच वाज इशूड बिटवीन 1 अप्रैल 2003 एंड 31 मार्च 2012 इन रेस्पेक्ट ऑफ विच प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द ईयर एक्सीड 20%, पहले 20% का कॉन्सेप्ट था, ऑफ द एक्चुअल सम एश्योर्ड एंड 10% ऑफ एक्चुअल सम एश्योर्ड इफ पॉलिसी हैड बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 और 1 अप्रैल 2013 से हैंडीकैप लोगों के लिए 15% हो गया था एंड 15% ऑफ एक्चुअल सम एश्योर्ड इफ पॉलिसी हैड बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। तो आपको 10% और 15% वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, आज की तारीख में यही चल रहा है। किसी भी साल आपने इससे ज्यादा का प्रीमियम दिया तो जब पैसा वापस मिलेगा तभी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर डेथ की वजह से मिला ये पैसा तो तब एग्जेम्प्ट रहेगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट मेंशन अंडर सेक्शन 80(d) एंड सेक्शन 80(d)(b), हाउएवर इन दिस केस एनी ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द डेथ शैल बी एग्जेम्प्ट। अगर डेथ की वजह से मिला तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट 10(11)(a), जिससे मैं आप जमा कराते हैं तो आपको मालूम है कि 80(c) की डिडक्शन मिल जाएगी, तो जब आपको रिसीव होगा पैसा ये एग्जेम्प्ट रहेगा। और नेक्स्ट है, अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम 80(c)(d) के अंदर मैंने पढ़ा रखी है कि जिस समय आप जमा कराते हैं उसमें डिडक्शन मिलेगी, लेकिन जिस समय आप क्लोज करते हैं अकाउंट तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट नहीं है, कुछ एग्जेम्प्टेड है। पार्ट पेमेंट निकालेंगे तो अलग परसेंटेज है और अगर पूरा पेमेंट निकालेंगे तो परसेंटेज कुछ अलग है, तो इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। 80(c)(d) वाली पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, ये सब बातें उन्हें समझ में आती है जिन्हें पहले पुराना याद है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, याद है अदरवाइज याद कीजिए उसके बाद, क्योंकि बार बार इन स्कीम को पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता। एनी पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट रेफर टू सेक्शन 80(c)(d) टू एन SAT ड्यू टू क्लोजर ऑफ द पेंशन स्कीम और इज ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स 60% ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल टू हिम। अमेंडमेंट आया है इसी बार। हाउएवर द फुल अमाउंट रिसीव्ड बाय द नॉमिनी ऑन डेथ ऑफ द SAT शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर डेथ की वजह से तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज 60% एग्जेम्प्ट रहेगा। और अगर आप पार्शियल विड्रोवल करते हो तो रूल एग्जेम्पशन जो है 25% का है, ना कि 60% का है। क्लियर हो गई बात ये। इसके बाद अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड ट्रांसफर टू नेशनल पेंशन फंड स्कीम, ये एग्जेम्प्टेड है। ये समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये कई बार फंस जाता है। अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आपने पैसा जमा करा रखा है तो इंडिविजुअल नेम से जमा करा रखा है तो 3500 रुपए तक एग्जेम्पशन है, और अगर ज्वाइंट नेम से जमा करा रखा है तो 7000 रुपए तक एग्जेम्प्शन, ये एग्जेम्प्शन है। और एक आप पढ़ते हैं 80(t)(a), वहां पर भी आपका सेविंग अकाउंट है तो वो 10000 रुपए की डिडक्शन अलग से मिलती है, वो 10000 रुपए की डिडक्शन अलग से मिलती है, ये एग्जेम्प्टेड है आपका। लेकिन ये केवल पोस्ट ऑफिस का है, 80(t)(a) पोस्ट ऑफिस का भी है और शेड्यूल्ड बैंक की भी, सेविंग बैंक के ऊपर डिडक्शन है। एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में रखिए जिससे कुछ भी गलती ना हो। ये एग्जेम्पशन की बात मैं कर रहा हूं, 3500 या 7000, ये बहुत ज्यादा फंस जाती है। और वो डिडक्शन की है, डिडक्शन शेड्यूल बैंक के इंटरेस्ट पर में मिलती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इस तरह पंजाब नेशनल बैंक, और ये एग्जेम्पशन केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के ऊपर ही है। इसी तरह से अगर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड ले रखे हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट रहता है,
और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इस नाम से अगर आपको स्कीम में आपने गोल्ड डिपॉजिट करा रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट रहता है। और एनी इनकम बाय ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू ए नॉन रेजिडेंट बाय यूनिट लोकेटेड इन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय इट, ये भी एग्जेम्प्टेड है। इन्हीं नाम से ये आएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो लास्ट वाला मैंने पढ़ाया है, तो इसलिए मैंने केवल रीडिंग लगवा दी है उसकी। और 15th पॉइंट ये देखिएगा, 15th पॉइंट ये आ सकता है, स्कॉलरशिप गिवन टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कहीं से भी अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो वो उनके हाथ में एग्जेम्प्ट रहती है। अब ये MLA और MP का देखिए, ये भी फंस सकता है। डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव्ड बाय MP एंड MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, संसद के हैं आप, सांसद हैं या विधायक हैं, एग्जेम्प्ट हैं फुल अमाउंट ऑफ डेली अलाउंस। नॉर्मली डेली अलाउंस नॉर्मल एम्प्लॉय को मिलेगा, वो क्या होता है वो टैक्सेबल होता है, सैलरी में जुड़ता है, लेकिन सांसदों को जो डेली अलाउंस मिलेगा, इनकी जो सैलरी है वो अदर सोर्सेज में आती है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, कभी आप सोचें कि सैलरी चैप्टर में आती है, तो इनकी सैलरी अदर सोर्सेज में आती है क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है, तो सैलरी टैक्सेबल होगी और कुछ अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, लेकिन जो ये अलाउंसेज हैं ये एग्जेम्प्ट रहेंगे। जो डेली अलाउंस है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय MP, यानी कि डेली अलाउंस तो पार्लियामेंट के मेंबर का भी एग्जेम्प्टेड है, सांसदों का भी एग्जेम्प्टेड है, विधायकों का भी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कोई और अलाउंस जो मिलेगा वो सांसदों का एग्जेम्प्टेड है। फुल अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव्ड बाय MLA, यानी कि विधायकों को जो कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड है। अब आप कहेंगे जो सांसदों को कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्टेड है क्या? वो भी एग्जेम्प्टेड है क्योंकि वो बी पॉइंट में एनी अलाउंस लिखा हुआ है, बी पॉइंट में एनी अलाउंस लिखा हुआ है। कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस क्या होता है? अपने जो संसदीय क्षेत्र हैं, जो विधायकी वाले क्षेत्र हैं, उनको डेवलप करने के लिए इन्हें अलाउंस मिलता है। और ऑल अदर अलाउंस अप टू 2000 पर मंथ रिसीव्ड बाय MLA, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एक बार कह के खत्म कर दिया उन्होंने, सारा का सारा अलाउंस एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जो विधायक हैं अगर डेली अलाउंस मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा जो एग्जेम्प्टेड है, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस और डेली अलाउंस को छोड़कर जो बाकी अलाउंस मिलेंगे वो केवल 2000 रुपये पर मंथ तक के ही एग्जेम्प्टेड है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सब कुछ एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट क्या है? इनकम फ्रॉम अवार्ड, एनी पेमेंट इन कैश ऑफ काइंड एज एन अवार्ड विद इन पब्लिक इंटरेस्ट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल नेशनल फिल्म अवार्ड, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को अवार्ड देती है पब्लिक इंटरेस्ट में तो वो रिसिपियंट के हाथ में क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। 19th पॉइंट, ये जिस समय अमेंडमेंट आई थी पहली बार जोड़ा था उसी समय क्वेश्चन आया था एक दो बार, अब क्योंकि पुरानी चीज हो चुकी है तो शायद चांसेस नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ हमारे देश में पिछड़े हुए इलाके हैं तो उन्हें डेवलप करने के लिए कि लोग बाग उन जगहों को छोड़कर ना जाएं, वहीं रहें और अपने एरिया को डेवलप करें, तो इस बात को मोटिवेट करने के लिए कुछ एग्जेम्प्शन डिडक्शन दी जाती हैं क्षेत्र वाइज। तो उसमें से एक सिक्किम भी एक ऐसा स्टेट है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सिक्किमीज लोगों के लिए कुछ एग्जेम्प्शन है। क्या है? इन केस ऑफ द इंडिविजुअल बींग सिक्किमीज, एनी इनकम विच एक्रू अराइज फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, यानी कि अगर आप सिक्किम स्टेट में किसी भी सोर्स से आप इनकम कमा रहे हैं वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, किराए पर देते हैं आप, सिक्किम स्टेट में एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा आप वहाँ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड होने वाली इनकम भी एग्जेम्प्टेड है, यानी कि एक तरह सिक्किमी नागरिकों के ऊपर टैक्स नहीं है, किसी भी सोर्स से आप इनकम कमा लीजिए। और बाय ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी फ्रॉम एनी प्लेस, और अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट है वो कहीं से भी कमा लें, यानी कि सिक्किमी इंडिविजुअल जो हैं रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो तो सिक्किम में स्थित नहीं है ना रिलायंस कंपनी, या वो टाटा टाटा कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर सिक्किम स्टेट में किसी भी सोर्स से इनकम कमा ले वो एग्जेम्प्टेड है, और सिक्किम स्टेट से अगर बाहर से इनकम कमाएंगे तो वो टैक्सेबल है, लेकिन डिविडेंड और इंटरेस्ट को छोड़कर। यानी कि एक सिक्किमी इंडिविजुअल का एक दिल्ली में दुकान है, वो किराए पर दे देता है, तो उससे होने वाली जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी फिर,
लेकिन अगर सिक्किम स्टेट में ही उसके पास कोई प्रॉपर्टी उसे किराए पर देता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। और आगे देखिएगा, अगर कोई सिक्किमीज लड़की नॉन सिक्किमीज लड़के से शादी कर लेती है तो उसे ये एग्जेम्पशन मिलनी बंद हो जाएंगी। कितनी बढ़िया बात करी है उन्होंने। तो शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड दीज इनकम शैल नॉट बी एग्जेम्प्ट टू द सिक्किमीज वुमेन हु ऑन अ राफ्टर 1 अप्रैल 2008 मैरिड एन इंडिविजुअल हु इज नॉट ए सिक्किमीज। यानी कि अगर एक सिक्किमीज वुमेन एक नॉन सिक्किमीज से शादी कर लेती है तो उस वुमेन को मिलने वाली सारी की सारी एग्जेम्पशन बंद हो जाएंगी, लेकिन वाइस वर्सा अलाउड है। यानी कि अगर एक सिक्किमीज मैन एक सिक्किमीज लड़का नॉन सिक्किमीज लड़की से शादी कर लेता है, एक सिक्किमीज लड़के को दिल्ली की एक लड़की पसंद आ जाती है तो उस लड़के की एग्जेम्पशन बंद नहीं होंगी। ठीक है ना, पता नहीं क्या सोच के गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, यानी कि जो भी उनकी सोच रही हो, लेकिन फिलहाल तो हमें याद करना ही है कि एक सिक्किमीज वुमेन को मना है नॉन सिक्किमीज से शादी करना, अगर करती है तो वो एक तरह से एग्जेम्पशन बंद हो जाएंगी, लेकिन एक सिक्किमीज लड़का जो है वो नॉन सिक्किमीज लड़की से शादी कर सकता है। माइनर बच्चे की मैंने क्लबिंग के अंदर ही बता दी थी, 1500 रुपये पर माइनर बच्चा एग्जेम्पशन मिलती है आपको। और इसके अलावा 1037 कैपिटल गेन में बता दी थी कि कंपल्सरी एक्विजिशन अगर होता है, और रिवर्स मॉर्गेज भी 1043 में आपको बता दी गई थी कि रिवर्स मॉर्गेज में भी जो इनकम आती है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो ये एग्जेम्पशन का भी जितना आपका सीए इंटरमीडिएट सीएस एग्जीक्यूटिव में काम की चीजें हैं वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। एग्जेम्पशन इसके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो इतना सब आप पढ़ लीजिएगा और अब केवल 3 चैप्टर ही रह गए हैं, टॉपिक ही हैं। रिटर्न ऑफ इनकम का टॉपिक है एक, तो वो है एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है कि किस किस इनकम पर टैक्स टीडीएस काटा जाता है, और अगर आप समय पर टैक्स जमा नहीं कराते हैं, ड्यू डेट क्या है टैक्स जमा कराने की, जिसे हम कह देते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, और अगर आप एडवांस पेमेंट नहीं करते हैं टैक्स का तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इंटरेस्ट वगैरह जो लगता है, एक वो टॉपिक है। तो ये 3 टॉपिक रहते हैं आपके, उसके बाद इनकम टैक्स आपका फिनिश हो जाएगा। शेफाली पूछ रही है टीसी वाली ऐड होगी क्या, किस चीज में बेटा ऐड करनी है, जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए पूछ रहे हो आप, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए मुझे। आप मुझे हैंड रेड भी कर सकते हैं, आप हैंड रेड कीजिएगा, क्योंकि आपके लिखने से पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, कभी गड़बड़ हो जाए, आप पूछना कुछ चाह रहे हो और मैं बताऊं कुछ और। यस शेफाली बताइए। हाँ वो ऐड नहीं होगी, वो ऐड नहीं होगी, केवल जो मैंने लिखवाई है आपको 10AA 35AD 80AA 80QQB और 80RRB केवल वही ऐड होनी है, इसके अलावा कुछ और ऐड नहीं होना है जब आप अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए जाएंगे। तो वो इसलिए ऐड हुई है कि मैंने आपको जब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बताना स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो मैं 5 इनकम लेके आया हूं उसके अलावा भी हैं, ठीक है ना, तो इसके अलावा में 80IA IB ये वाली सीरीज आती है। जब मैंने क्वेश्चन कहीं से लिया तो मुझे हटा देना चाहिए था वो 80I वाली, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो हटा नहीं पाया मैं, तो इस वजह से क्योंकि एड पर द चैप्टर तो 80IA IB की अगर डिडक्शन मिली हुई है आपको तो वो एड बैक होती है, तो जो मैंने आपको लिस्ट दी है वो कंप्लीट नहीं है ना लिस्ट, समझ में आ गई बात, लेकिन पेपर में 80IB नहीं आएगा क्योंकि 80IA IB वाली जो सीरीज है आपके कोर्स में है ही नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है ना। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, अलविदा।